ओम शांति। 24 मार्च 2020 बाबा के महावाक्य। मीठे बच्चे, रूहानी सर्विस कर, अपना और दूसरों का कल्याण करो, बाप से सच्ची दिल रखो तो बाप की दिल पर चढ़ जाएंगे। प्रश्न: देही अभिमानी बनने की मेहनत कौन कर सकते हैं? देही अभिमानी की निशानियां सुनाओ। उत्तर: जिनका पढ़ाई से और बाप से अटूट प्यार है, वह देही अभिमानी बनने की मेहनत कर सकते हैं। वह शीतल होंगे, किसी से भी अधिक बात नहीं करेंगे, उनका बाप से लव होगा, चलन बड़ी रॉयल होगी, उन्हें नशा रहता कि हमें भगवान पढ़ाते हैं, हम उनके बच्चे हैं, वह सुखदायी होंगे, हर कदम श्रीमत पर उठाएंगे। ओम शांति। बच्चों को सर्विस समाचार भी सुनना चाहिए, फिर मुख्य मुख्य जो महारथी सर्विसेबल हैं, उन्हों को राय निकालनी चाहिए। बाबा जानते हैं सर्विसेबल बच्चों का ही विचार सागर मंथन चलेगा। मेले व प्रदर्शनी की ओपनिंग किससे कराए, क्या क्या पॉइंट सुनानी चाहिए, शंकराचार्य आदि अगर तुम्हारी इस बात को समझ गए तो कहेंगे यहाँ की नॉलेज तो बहुत ऊंची है, इन्हों को पढ़ाने वाला कोई ठेका दिखता है, भगवान पढ़ाते हैं वह तो मानेंगे नहीं। तो प्रदर्शनी आदि का उद्घाटन करने जो आते हैं उनको क्या क्या समझाते हैं, वह समाचार सबको बताना चाहिए या तो टेप में शॉर्ट में भरना चाहिए। जैसे गंगे ने शंकराचार्य को समझाया, ऐसे ऐसे सर्विसेबल बच्चे तो बाप के दिल पर चढ़ते हैं। यूं तो स्थूल सर्विस भी है, परंतु बाबा का अटेंशन रूहानी सर्विस पर जाएगा, जो बहुतों का कल्याण करते हैं। भल कल्याण तो हर बात में है, ब्रह्मा भोजन बनाने में भी कल्याण है, अगर योग युक्त हो बनाए। ऐसा योग युक्त भोजन बनाने वाला हो तो भंडारे में बड़ी शांति हो, याद की यात्रा पर रहे, कोई भी आए तो झट उनको समझाए। बाबा समझ सकते हैं सर्विसेबल बच्चे कौन हैं, जो दूसरों को भी समझा सकते हैं, उन्हों को ही अक्सर करके सर्विस पर बुलाते भी हैं। तो सर्विस करने वाले ही बाप के दिल पर छड़े रहते हैं, बाबा का अटेंशन सारा सर्विसेबल बच्चों तरफ ही जाता है। कई तो सम्मुख मुरली सुनते हुए भी कुछ समझ नहीं सकते, धारणा नहीं होती, क्योंकि आधा कल्प के देह अभिमान की बीमारी बड़ी कड़ी है, उसको मिटाने के लिए बहुत थोड़े हैं जो अच्छी रीति पुरुषार्थ करते हैं। बहुतों से देही अभिमानी बनने की मेहनत पहुंचती नहीं है। बाबा समझाते हैं बच्चे, देही अभिमानी बनना बड़ी मेहनत है, भल कोई चाट भी भेज देते हैं परंतु पूरा नहीं, फिर भी कुछ अटेंशन रहता है। देही अभिमानी बनने का अटेंशन बहुतों का कम रहता है। देही अभिमानी बड़े शीतल होंगे, वह इतना जास्ती बातचीत नहीं करेंगे, उन्हों का बाप से लव ऐसा होगा जो बात मत पूछो, आत्मा को
इतनी खुशी होनी चाहिए जो कभी कोई मनुष्य को न हो। इन लक्ष्मी नारायण को तो ज्ञान है नहीं, ज्ञान तुम बच्चों को ही है, जिनको भगवान पढ़ाते हैं। भगवान हमको पढ़ाते हैं, यह नशा भी तुम्हारे में कोई एक दो को रहता है। वह नशा हो तो बाप की याद में रहे, जिसको देही अभिमानी कहाँ जाता है, परंतु वह नशा नहीं रहता है। याद में रहने वाले की चलन बड़ी अच्छी रॉयल होगी। हम भगवान के बच्चे हैं, इसलिए गायन भी है। अतीन्द्रिय सुख गोप गोपियों से पूछो, जो देही अभिमानी हो बाप को याद करते हैं। याद नहीं करते हैं इसलिए शिव बाबा के दिल पर नहीं छड़ते हैं। शिव बाबा के दिल पर नहीं तो दादा के भी दिल पर नहीं छड़ सकते। उनके दिल पर होंगे तो जरूर इनके दिल पर भी होंगे। बाप हर एक को जानते हैं, बच्चे खुद भी समझते हैं कि हम क्या सर्विस करते हैं। सर्विस का शौक बच्चों में बहुत होना चाहिए। कोई को सेंटर जमाने का भी शौक रहता है, कोई को चित्र बनाने का शौक रहता है। बाप भी कहते हैं, मुझे ज्ञानी तो आत्मा बच्चे प्यारे लगते हैं, जो बाप की याद में भी रहते हैं और सर्विस करने के लिए भी फतकते रहते हैं। कोई तो बिल्कुल ही सर्विस नहीं करते हैं, बाबा का कहना भी नहीं मानते हैं। बाप तो जानते हैं ना कहाँ किसको सर्विस करनी चाहिए, परंतु देह अभिमान के कारण अपनी मत पर चलते हैं तो वह दिल पर नहीं छड़ते हैं। अज्ञान काल में भी कोई बच्चा बदचलन वाला होता है तो बाप के दिल पर नहीं रहता है, उनको कपूत समझते हैं, संग दोष में खराब हो पड़ते हैं। यहाँ भी जो सर्विस करते हैं वही बाप को प्यारे लगते हैं, जो सर्विस नहीं करते उनको बाप प्यार थोड़े करेंगे। समझते हैं तकदीर अनुसार ही पढ़ेंगे, फिर भी प्यार किस पर रहेगा, वह तो कायदा है ना। अच्छे बच्चों को बहुत प्यार से बुलाएंगे, कहेंगे तुम बहुत सुखदाई हो, तुम पिता स्नेही हो। जो बाप को याद ही नहीं करते उनको पिता स्नेही थोड़े ही कहेंगे। दादा स्नेही नहीं बनना है, स्नेही बनना है बाप से। जो बाप का स्नेही होगा उनका बोल चाल बड़ा मीठा सुंदर रहेगा। विवेक ऐसा कहता है, भल टाइम है परंतु शरीर पर कोई भरोसा थोड़े ही है। बैठे बैठे एक्सीडेंट हो जाते हैं, कोई हार्ट फेल हो जाते हैं, किसको रोग लग जाता है। मौत तो अचानक हो जाता है ना, इसलिए श्वास पर तो भरोसा नहीं है। नेचुरल कैलामिटीज की भी अभी प्रैक्टिस हो रही है। बिगर टाइम बरसात पड़ने से भी नुकसान कर देती है। यह दुनिया ही दुख देने वाली है। बाप भी ऐसे समय पर आते हैं जबकि महान दुख है, रक्त की नदियां भी बहनी है। कोशिश करना चाहिए हम अपना पुरुषार्थ कर 21 जन्मों का कल्याण तो कर लेवे। बहुतों में अपना कल्याण करने का फुरना भी दिखाई नहीं पड़ता है। बाबा यहाँ बैठ मुरली चलाते हैं तो भी बुद्धि सर्विसेबल बच्चों तरफ रहती है।
अब शंकराचार्य को प्रदर्शनी में बुलाया है, नहीं तो यह लोग ऐसे कहां जाते नहीं हैं, बड़े घमंड में रहते हैं, तो उन्हों को मान भी देना पड़े, ऊपर सिंहासन पर बिठाना पड़े, ऐसे नहीं साथ में बैठ सकते हैं, नहीं रिगार्ड उन्हों को बहुत चाहिए, निर्माण हो तो फिर चांदी आदि का सिंहासन भी छोड़ दे, बाप देखो कैसे साधारण रहते हैं, कोई भी जानते नहीं, तुम बच्चों में भी कोई विरले जानते हैं, कितना निरहंकारी बाप है, यह तो बाप और बच्चे का संबंध है ना, जैसे लौकिक बाप बच्चों के साथ रहते खाते खिलाते हैं, यह है बेहद का बाप। सन्यासियों आदि को बाप का प्यार नहीं मिलता है, तुम बच्चे जानते हो, कल्प कल्प हमको बेहद के बाप का प्यार मिलता है। बाप गुलगुल फूल बनाने की बहुत मेहनत करते हैं, परंतु ड्रामानुसार सब तो गुलगुल बनते नहीं हैं, आज बहुत अच्छे अच्छे कल विकारी हो जाते हैं। बाप कहेंगे तकदीर में नहीं है तो और क्या करेंगे, बहुतों की गंदी चलन हो पड़ती है, आज्ञा का उल्लंघन करते हैं, ईश्वर की मत पर भी नहीं चलेंगे तो उनका क्या हाल होगा, ऊंचते ऊंच बाप है और तो कोई है नहीं, फिर देवताओं के चित्रों में देखेंगे तो यह लक्ष्मी नारायण ही ऊंचते ऊंच हैं, परंतु मनुष्य यह भी नहीं जानते कि इन्हों को ऐसा किसने बनाया, बाप तुम बच्चों को रचता और रचना की नॉलेज अच्छी रीति बैठ समझाते हैं, तुमको तो अपना शांति धाम सुख धाम ही याद आता है, सर्विस करने वालों के नाम स्मृति में आते हैं, जरूर जो बाप के आज्ञाकारी बच्चे होंगे उनके तरफ ही दिल जाएंगे, बेहद का बाप एक ही बार आते हैं, वह लौकिक बाप तो जन्म जन्मांतर मिलता है, सत्युग में भी मिलता है, परंतु वहां यह बाप नहीं मिलता है, अभी की पढ़ाई से तुम पद पाते हो, यह भी तुम बच्चे ही जानते हो कि बाप से हम नई दुनिया के लिए पढ़ रहे हैं, यह बुद्धि में याद रहना चाहिए, है बहुत सहज, समझो बाबा खेल रहे हैं, अनायास कोई आ जाते हैं तो बाबा झट वहां ही उनको नॉलेज देने लग पड़ेंगे, बेहद के बाप को जानते हो, बाप आए हैं पुरानी दुनिया को नई बनाने, राजयोग सिखलाते हैं, भारतवासियों को ही सिखलाना है, भारत ही स्वर्ग था जहां इन देवी देवताओं का राज्य था, अभी तो नरक है, नरक से फिर स्वर्ग बाप ही बनाएंगे, ऐसी ऐसी मुख्य बातें याद कर कोई भी आए तो उनको बैठ समझाओ तो कितना खुश हो जाए, सिर्फ बोलो बाप आया हुआ है, यह वही महाभारत लड़ाई है जो गीता में गाई हुई है, गीता का भगवान आया था, गीता सुनाई थी, किस लिए, मनुष्य को देवता बनाने, बाप सिर्फ कहते हैं मुझ बाप को और वर्षे को याद करो, यह दुख दाम है, इतना बुद्धि में याद रहे तो भी खुशी रहे, हम आत्मा बाबा के साथ जाने वाली हैं शांति धाम, फिर वहां से पाठ बजाने आएंगे
पहले पहले सुख धाम में, जैसे कॉलेज में पढ़ते हैं तो समझते हैं हम यह पढ़ते हैं फिर यह बनेंगे, बैरिस्टर बनेंगे या पुलिस सुपरिंटेंडेंट बनेंगे, इतना पैसा कमाएंगे, खुशी का पारा चढ़ा रहेगा। तुम बच्चों को भी यह खुशी रहनी चाहिए। हम बेहद के बाप से यह वर्षा पाते हैं, फिर हम स्वर्ग में अपने महल बनाएंगे। सारा दिन बुद्धि में यह चिंतन रहे तो खुशी भी हो, अपना और दूसरों का भी कल्याण करे। जिन बच्चों के पास ज्ञान धन है उनका फर्ज है दान करना। अगर धन है दान नहीं करते हैं तो उन्हें मनहूस कहां जाता है। उनके पास धन होते भी जैसे कि है ही नहीं। धन हो तो दान जरूर करे। अच्छे अच्छे महारथी बच्चे जो हैं वह सदैव बाबा के दिल पर छड़े रहते हैं। कोई कोई के लिए ख्याल रहता है, यह शायद टूट पड़े। सर्कमस्टेंस ऐसे हैं, देह का अहंकार बहुत छड़ा हुआ है। कोई भी समय हाथ छोड़ दे और जाकर अपने घर में रहे। भल मुरली बहुत अच्छी चलाती हैं, परंतु देह अभिमान बहुत है। थोड़ा भी बाबा सावधानी देंगे तो झट टूट पड़ेंगे। नहीं तो गायन है, प्यार करो चाहे ठुकराओ। यहाँ बाबा राइट बात करते हैं तो भी गुस्सा चढ़ जाता है। ऐसे ऐसे बच्चे भी हैं, कोई तो अंदर में बहुत शुक्रिया मानते हैं, कोई अंदर जल मरते हैं। माया का देह अभिमान बहुत है। कई ऐसे भी बच्चे हैं जो मुरली सुनते ही नहीं हैं, और कोई तो मुरली बिगर रह नहीं सकते। मुरली नहीं पढ़ते हैं तो अपना ही हट है। हमारे में तो ज्ञान बहुत है और है कुछ भी नहीं। तो जहाँ शंकराचार्य आदि प्रदर्शनी में आते हैं, सर्विस अच्छी होती है, तो वह समाचार सबको भेजना चाहिए तो सबको मालूम पड़े कैसे सर्विस हुई, तो वह भी सीखेंगे। ऐसे ऐसे सर्विस के लिए जिनको ख्यालात आते हैं उनको ही बाबा सर्विसेबल समझेंगे। सर्विस में कभी थकना नहीं चाहिए। यह तो बहुतों का कल्याण करना है ना। बाबा को तो यही होना रहता है, सबको यह नॉलेज मिले, बच्चों की भी उन्नति हो। रोज मुरली में समझाते रहते हैं, यह रूहानी सर्विस है मुख्य। सुनना और सुनाना है, शौक होना चाहिए। बाज लेकर रोज मंदिरों में जाकर समझाओ, यह लक्ष्मी नारायण कैसे बने, फिर कहाँ गए, कैसे राज्य भाग्य पाया। मंदिर के दर पर जाकर बैठो, कोई भी आए बोलो यह लक्ष्मी नारायण कौन है, कब इन्हों का भारत में राज्य था। हनुमान भी जूतियों में जाकर बैठता था ना, उसका भी रहस्य है ना। तरस पड़ता है, सर्विस की युक्तियां बाबा बहुत बतलाते हैं, परंतु अमल में बहुत कोई मुश्किल लाते हैं। सर्विस बहुत है, अंधों की लाठी बनना है। जो सर्विस नहीं करते, बुद्धि साफ नहीं है तो फिर धारणा नहीं होती है। नहीं तो सर्विस बहुत सहज है। तुम यह ज्ञान रत्नों का दान करते हो। कोई साहूकार आए तो बोलो हम आपको यह सौगात देते हैं, इनका अर्थ भी आपको समझाते हैं। इन बैजेस का बाबा को बहुत कदर है
और किसको इतना कदर नहीं है। इनमें बहुत अच्छा ज्ञान भरा हुआ है, परंतु किसकी तकदीर में नहीं है तो बाबा भी क्या कर सकते हैं। बाप को और पढ़ाई को छोड़ना यह तो बड़े ते बड़ा आपघात है। बाप का बनकर और फिर फारकती देना, इस जैसा महान पाप कोई होता नहीं, उन जैसा कम भक्त कोई होता नहीं। बच्चों को श्रीमत पर चलना चाहिए ना। तुमको बुद्धि में है हम विश्व के मालिक बनने वाले हैं, कम बात थोड़ी है। याद करेंगे तो खुशी भी रहेगी, याद न रहने से पाप भस्म नहीं होंगे। एडॉप्ट हुए तो खुशी का पारा चढ़ना चाहिए, परंतु माया बहुत विघ्न डालती है, कच्चों को गिरा देती है। जो बाप की श्रीमत ही नहीं लेते तो वह क्या पद पाएंगे। थोड़ी मतली तो फिर ऐसा ही हल्का पद पाएंगे, अच्छी रीति मत लेंगे तो ऊंच पद पाएंगे। यह बेहद की राजधानी स्थापन हो रही है, इसमें खर्चे आदि की भी कोई बात नहीं है। कुमारियां आती हैं, सीख कर बहुतों को आप समान बनाती हैं, इसमें फी आदि की बात ही नहीं। बाप कहते हैं तुमको स्वर्ग की बादशाही देता हूँ, मैं स्वर्ग में भी नहीं आता हूँ। शबाबा तो दाता है ना, उनको खर्ची क्या देंगे। इसने सब कुछ उनको दे दिया, वारिस बना दिया। एवज में देखो राजाई मिलती है ना। यह पहला पहला मिसाल है, सारे विश्व पर स्वर्ग की स्थापना होती है, खर्चा पाई भी नहीं। अच्छा, मीठे मीठे सिखिलदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की, रूहानी बच्चों को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला, पिता स्नेही बनने के लिए बहुत बहुत सुखदाई बनना है। अपना बोल चाल बहुत मीठा रॉयल रखना है, सर्विसेबल बनना है, निरहंकारी बन सेवा करनी है। दूसरा, पढ़ाई और बाप को छोड़कर कभी आप घाती महापापी नहीं बनना है। मुख्य है रूहानी सर्विस, इस सर्विस में कभी थकना नहीं है। ज्ञान रत्नों का दान करना है, मनहूस नहीं बनना है। वरदान, मैं और मेरेपन को बलि छड़ाने वाले संपूर्ण महाबली भव, हद के कोई भी व्यक्ति या वैभव से लगाव, यही मेरापन है। इस मेरेपन को और मैं करता हूँ, मैंने किया, इस मैंपन को संपूर्ण समर्पण करने वाले अर्थात बलि छड़ने वाले ही महाबली हैं। जब हद का मैंपन समर्पण हो तब संपूर्ण व बाप समान बनेंगे। मैं कर रहा हूँ नहीं, बाबा करा रहा है, बाबा चला रहा है। किसी भी बात में मैं के बजाय सदा नेचुरल भाषा में भी बाप शब्द ही आए, मैं शब्द नहीं। स्लोगन, संकल्पों में ऐसी दृढ़ता धारण करो जिससे सोचना और करना समान हो जाए। Om Shanti. To watch Peace of Mind channel videos on YouTube, subscribe us on youtube.com/TV Peace of Mind.
Just a click for a peaceful life.